कैसे हैं आप? आज 2 मार्च है 2019 और आपके सामने लेके आया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें एक स्पाइक देखने को मिल रहा है और इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड भी बना और वॉल्यूम भी अच्छा बना है और 4% के साथ ग्रोथ भी की है। इसने जो क्लोजिंग दी है 1 मार्च 2019 को, वो अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा आप इस पर वॉच लिस्ट बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा है। अगर देखें तो ये एक बिजनेस है जो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड एंड ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्शन का करती है और पी रेशियो इसका जो है 7.35 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है। डेप्ट इसके पास 20,000 करोड़ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,000 करोड़ का है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10-11% के पास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-3.5% है। सेल्स ग्रोथ 1-2% का, ये थोड़ा कॉन्स्टेंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता मिल रहा है, 1.34 मिल रहा है और प्राइस टू कैश फ्लो भी ये भी सस्ता मिल रहा है। तो ऑयल सेक्टर में एक ये स्पाइक देने को ऐसा लगता है कि ये स्पाइक देगा और इसमें आप चाहें तो इसमें पोजीशन वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं इसको। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अभी करंट वॉल्यूम इसका अच्छा खासा बन रहा है, 39,96,000, 38,67,000। तो इसमें एक वॉल्यूम भी आ रही है और उस पर जो डिलीवरी आ रहा है 12,22,000 डिलीवरी भी एक आ रही है 31 से 56%, 52%। और अगर इसका मूविंग वेटेड एवरेज देखें तो 229 का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज था उसके समय 232 का क्लोजिंग दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका तो आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे 229 का वॉल्यूम वेटेड एवरेज था वहाँ पे 232 का इतना हाई होकर के दिया है। तो हो सकता है कि ये आपको 5 तारीख को जो मार्केट ओपन होगा शायद गैप अप थोड़ा सा करके हो, तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आपको वॉच लिस्ट में बने रहना है और आपको एक बार 258 के लेवल को वॉच रखना है। अगर ये 258 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये 290 का लेवल भी आपको दिखा सकता है और 290 क्रॉस करते हैं 329। तो एक इसमें एक स्पाइक हो रहा है और वॉल्यूम बन रहा है तो एक वॉच लिस्ट जरूर रखिए और 258 पे इसमें स्पेशली वॉच लिस्ट रखिए। 2858 यहाँ पे प्रीवियस था जो कि है और अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे कर देखा है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे भी यहाँ पे जो बन रहा था इसमें सॉरी 260 का जो लेवल आ रहा है, मूविंग 200 का मूविंग डेमा जो है आप देखेंगे 260 आ रहा है। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि 260 अगर क्रॉस करता है, 258 क्रॉस करता है तो इसमें एक मूवमेंट आपने को देखने को मिल सकता है 290 के लिए। तो आप वॉचलिस्ट लगे अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मिल सकता है। अभी तक इसने 200 डेमा के नीचे ही कर रहा है लेकिन जो ये नेरो था ये रेंज जो आप देखेंगे ये अब कम होते जा रहा है। तो इस पैटर्न के चलते और कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड हैमर का जो पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर के पैटर्न को अगर तोड़ता है ये तो समझिए वो भी कंफर्म हो जाएगा और ऊपर की ओर एक बार स्पाइक मारते हुए ये निकल जाएगा। तो शायद इन्वर्टेड हैमर के पैटर्न को भी कंफर्म करेगा ये। और यहाँ पे तो 258 एक इम्पोर्ट, 200 का जो आपको मूविंग डेमा है 260 का, इस पर वॉच लिस्ट रखिए 290 के लिए। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पे एक बार 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 258 से रेसिस्ट भी हो रहा था, नीचे की ओर जा रहा था। तो 258 के आप अगर 260 के वॉच लिस्ट से आप बाइंग रिकमेंडेशन भी हो सकता है इसके लिए, तो आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे अभी, तो आप इसको अगर यहाँ पे हम डेरिवेटिव में जाके देखें हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 233-225 पे है, 233-225 पैसे पे क्लोजिंग दिया 1 मार्च को, 28 मार्च की पुट और ये कॉल, तो देखेंगे हम कॉल के साइड में बाइंग चल रहा है और सबसे ज्यादा बाइंग 240 पे हुआ है और 4,80,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल की ओर। तो 240 और 250 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है यहाँ पे। और इधर देखेंगे तो आपको 250 तक के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट भी हो रहा है, 250 पे अनवाइंडिंग हो रही है, 240 तक शॉर्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये आपको एक बार 240-245 तक के लेवल को दिखा दे, बट अगर 260 ये क्रॉस करता है जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, अगर हो गया तो ये इन्वर्टेड सोल्जर पैटर्न को भी कंफर्म करेगा और ये 200 डेज के डेमा को क्रॉस करते हुए भी आगे निकलेगा। तो यहाँ के बाद जो पैटर्न बनेगा आप खुद देखिए, यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है तो सीधा 290 के रेट को रिटर्न करेगा और ये रुकेगा नहीं, 329 तक जा सकता है। तो इस पर एक वॉचेस रखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड चालू हुआ है, क्रूड में भी ऐसे नरमी देखने को मिल रही है,
उसका भी फायदा हो सकता है, इसको दिखे यहाँ पे, और हो सकता है कि आपको 290, 329 के लेवल को दिखाने की कोशिश कर सकता है। ये सारे जो थे वीडियो थे ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हैं, मेरे कहने से कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एडवाइस लें तो अपने पहले एडवाइजर से पूछ के लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से। अगर मैं इसके 240 के कॉल को दिखाऊँ आपको जा करके डिटेल में दिखाऊँ, तो 240 के कॉल पर क्या हुआ है, तो 240 की जो प्राइस है 640 की क्लोजिंग है, और 640 पे हुआ क्या है देखिए, 4,85,100 की बाइंग है और 2,24,000 की सेलिंग है। ओपन होता है ये, ओपन जो होता है 355 पे, क्लोजिंग देता है 640 का, तो 240 पे जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट 112% का। और मैं यही अगर 250 पे दिखाऊं आपको, तो 250 पे देखेंगे तो ओपन होता है एक लो, 175 का लो बनाता है, 175 का मीन्स वहीं रहता है, और 335 का क्लोजिंग देता है, 360 का हाई बनाता है। इस पे भी 50% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और 4,99,800 की बाइंग है 250 पे, 1,34,000 का सेल है। तो आप दोनों में से कोई भी चाहें पुट कॉल के 240 का प्राइस है 640 और 250 का 335, दोनों में से किसी में आप ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल सकता है। हो सकता है ये दोनों रेट अपने यहाँ से के रेट से डबल देखने को आपको मिल सकते हैं। इसे पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन या पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, वॉचलिस्ट में रखिए, ये मेरा ओपिनियन है सिर्फ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत